पहले दिन जब आके बताया कि मेरी एज 18 साल है, तो लड़की घबराई हुई है या फिर इसका मुकाबला करने को इस वक्त तैयार है वो? अगर कोई माफिया होता तो 3 सूबों की पुलिस जो थी उसको गिरफ्तार करने में या उनको पकड़ने में लगी रही है। जहीर के पास इतने पैसे आखिर आ कहाँ से रहे हैं, जो कराची से वो लाहौर भी आ जाती हैं और फिर ये तमाम तर जो कानूनी चीज़ें हैं उनके अखराजात भी इस वक्त बर्दाश्त किए जा रहे हैं। मोबाइल का काम करता हूँ नहीं मैं, नहीं यही बात कही, बिल्कुल उसने कहा है तो साठ जब सत्तर उसने ये हज़ार कह दिया तो अब ये FBR थोड़ा है। आप दुआ और जहीर के वकील हैं मुश्तरक तौर पे। अच्छा, इस इंटरव्यू के बाद आपकी दुआ से मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं दुआ ज़ारा के वकील राय खुरम साहब के पास। आपके इलम में है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे कबल दुआ ज़ारा का पहला इंटरव्यू आया, उसके बाद जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं उनकी जानिब से और जो सिंध में एक सूबाई वज़ीर हैं शैला रज़ा साहिबा उनकी जानिब से कई बयान सामने आए और ये कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट जो वो लोग जा रहे हैं और इस इंटरव्यू पर कई सवालात जो हैं वो उठाए गए। राय खुरम साहब से जानते हैं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ जो है दुआ ज़ारा के वालिद बढ़ रहे हैं और इस केस में अब आखिर अब होने क्या जा रहा है और दुआ ज़ारा इस टाइम क्या सोच रही हैं और वकील की ज़ुबानी ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक अच्छा यू। खुरम भाई, ये बताएं कि एक इंटरव्यू आया, बड़ा ही इंतज़ार किया जा रहा था कि बाकायदा तौर पर पहला इंटरव्यू दिया जाए दुआ ज़ारा की तरफ से और उस इंटरव्यू पर फिर सवालात उठाए गए। आप ये बताएं कि वाकई कोई माफिया है दुआ ज़ारा के पीछे जो उसको कराची से लाहौर लेकर आया? नहीं जी, कोई माफिया नहीं है जो उसको कराची से लाहौर लेके, और ना ही कोई ऐसी बात है। दुआ ज़ारा ने अपना बयान कोर्ट्स में, मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में, सेशन जज साहब की कोर्ट में और ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया है कि मैं खुद अकेली कराची से लाहौर आई हूँ। ठीक है, अगर कोई माफिया होता तो 3 सूबों की पुलिस जो थी उसको गिरफ्तार करने में या उनको पकड़ने में लगी रही है। तो कस्टडी में आने के लिए हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद हैं जिनका किरदार बहुत अच्छा है और वो एक मामले की जड़ तक पहुँचते हैं। और अगर कुछ ऐसा कोई माफिया होता तो अब तक कब का बाहर आ जाना था उसने, ठीक है। क्योंकि देखें जी, CIA कराची वो भी इस मैटर को हल करने में थी, CIA पंजाब भी इस मैटर को हल करने के लिए थी, KPK में CIA भी इस मैटर को हल करने के लिए थी। अगर कोई माफिया होता तो सामने आ चुका होता, कोई माफिया न था न है और ना होगा। अच्छा, आप दुआ और जहीर के वकील हैं मुश्तरक तौर पे। जी अच्छा, खुशी से रह रहे हैं दोनों, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है अब क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी एक डिसीजन आ गया, लाहौर हाई कोर्ट ने तो पहले ही दिया था, फिर सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी आया, हंसी खुशी रह रहे हैं वो? जी फिलहाल जो आज तक की इन्फॉर्मेशन है, आज तक तो वो बिल्कुल खुश हैं और अपनी बहुत अच्छे तरीके से, खुशी के साथ, खुश असलूबी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, ये इंटरव्यू जब जैसे ही ऑन एयर हुआ शैला रज़ा साहिबा जो सिंध की वज़ीर हैं उनकी तरफ से एक बयान दिया गया जो मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल के ज़रिए कि दुआ ज़ारा की जो उम्र है जो सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाएगी मेडिकल रिपोर्ट उसके मुताबिक 16 से 17 साल है और निकाहनामे में उनकी उम्र लिखी हुई है तकरीबन 18 साल। तो ये जो कंट्राडिक्शन है इसके मुताबिक तो उनका निकाहनामा दुरुस्त है या नहीं, आप क्या समझते हैं? उनके बकौल तो ये सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाके वो चैलेंज कर सकते हैं। निकाहनामा उनका बिल्कुल दुरुस्त है, और जहाँ तक एज का क्वेश्चन किया जा रहा है उसकी बाबत यह है कि जब दुआ ने, निकाह खान ने, निकाह रजिस्ट्रार ने जब पूछा कि आपकी एज कितनी है, तो उसने बताया कि मेरी एज 18 साल है। तो अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन ब्राइड से मिलती है उसी के मुताबिक ही उसकी एज लिखी जाती है, ना कि वो उसका पहले पूछ के आए जी सिंध से या किसी और जगह से उनके पेरेंट्स से। तो अगर ये वो पेरेंट्स से पूछने के लिए जाना तो वो रनवे मैरिज तो ना हुई, अपनी पसंद की शादी तो ना हुई, सही है। जो ए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसी के मुताबिक वो निकाह रजिस्ट्रार ने उसका अंदराज कर दिया। उसने, दुआ ने 18 साल बताई, 18 साल लिख दी गई है। अब उसका मेडिकल आ गया, मेडिकल में 17 साल आ गई, एक आध साल का तो गालबन में भी हो जाता है, लेकिन जो दुआ ने बताया वही उसी के मुताबिक एज लिखी गई है। अच्छा, कानूनी तौर पे ही कितना मजबूत केस है जब उसके वालिद कह रहे हैं कि मेरी अगर शादी इस सन में हुई है तो मेरी बेटी किस तरह 17 से 18 साल की हो सकती है और नादरा की तमाम उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो कानूनी तौर पे वो इस वक्त कितने मजबूत हैं या फिर उनकी इस आर्गुमेंट की कोई वैल्यू नहीं है? देखिए जी, ये तो मीडिया पे करने वाली बातें हैं, बाकी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने CPLA फाइल की है, पिटीशन फाइल की है, तो लेट्स सी क्या होता है उसका।
जो एक प्रोसीजर है, जो एक लॉ है, उसको तो अडॉप्ट किया जाना है। और बाकी बात कि सच कितना है या वो 17 साल बता रहे हैं या 14 साल, हमारी जो सोसाइटी है इसमें बच्चों की एज वैसे भी कुछ साल 2 साल कम लिखवाई जाती है। और इसी तरह ये दुआ ज़ारा ने भी पहले दिन जब आगे बताया कि मेरी एज 18 साल है, तो एक क्वेरी हुई कि ये लगती नहीं है 18 साल की एज। तो जब उसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि मेरी एज मेरे पेरेंट्स ने कम लिखवाई हुई है, मेरी एज इतनी है। तो उसी के मुताबिक फिर वो निकाह कानून का अंदराज कर लिया। अच्छा, वालदैन और ये तमाम जो चीज़ें कानूनी चीज़ें चल रही हैं, इससे वो लड़की घबराई हुई है या फिर इसका मुकाबला करने को इस वक्त तैयार है वो? नहीं, वो लड़की बिल्कुल तैयार है मुकाबला करने के लिए। अच्छा। वो घबराई हुई नहीं है, वो कहती है जी ठीक है, मुझे सुप्रीम कोर्ट की अगर तलब करती है तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी चली जाऊँगी। क्योंकि वो उसने सिंध हाई कोर्ट देख लिया, लाहौर हाई कोर्ट देख लिया, मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट देख ली, तमाम क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की उसने देख ली है, टॉप से बॉटम से लेके टॉप तक। अच्छा। अब आखिरी लास्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, अब उसने कहा जी मैं वो भी देख लूँगी। ठीक है। अच्छा, यही वो चीज़ें हैं जो इनके ओपोनेंट्स कह लें या 2000 के वालिद या जो वालदैन के साथ इस वक्त लोग हैं, वो लोग यही तो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि इस लड़की के पास या उस लड़के के पास, ज़हीर के पास इतने पैसे आखिर आ कहाँ से रहे हैं, जो कराची से वो लाहौर भी आ जाती हैं और फिर ये तमाम तर जो कानूनी चीज़ें हैं उनके अखराजात भी इस वक्त बर्दाश्त किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में लोगों ने अच्छे तरीके से वो ज़हीर और दुआ का इंटरव्यू नहीं सुना। ज़हीर ने खुद बताया कि मैं 60-70 हज़ार रुपया पर मंथ इजीली कमा लेता हूँ, मोबाइल का काम करता हूँ। मैंने यही बात की, बिल्कुल उसने कहा है 60-70 हज़ार ये कह दिया। तो अब ये FBR थोड़ा है, उससे पूछना है आपने गोशवारे 2 या 60-70 हज़ार कैसे कमा लेते हो, तो वो जाके FBR पूछे, उससे अकाउंटेबिलिटी वाले पूछे। ये सारे लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, यानी कि बाजार से गुजरता हुआ बंदा भी जो सुनता है कान में बात कह देता है। देखिए, अगर इस तरह की बात है तो उसको, ये मैटर इस वक्त सोशल मीडिया पे है ना, तो सोशल मीडिया पे जिस तरह की डिस्कशन हो रही है, हमारी कोशिश है कि आपसे वो सवाल पूछे जाएँ ताकि जो लोग इस वक्त वो सवाल रेज कर रहे हैं उनको ये जवाब मिले। नहीं, वो तो उसने बता दिया कि मेरी इनकम क्या है। हाँ, बिल्कुल 60-70 हज़ार उन्होंने कहा, महीने की इनकम है उसकी, तो उसके जब से वो काम कर रहा था तो हिसाब खुद ही लगा लें कितने पैसे बनते हैं। अब ये तो नहीं है मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ और बताऊँ कि उसने फलां साल में काम शुरू किया था और अब तक कितने बनते हैं और इसके इतने अखराजात हो गए हैं, ये हो गया, ये मैंने तो नहीं बताना। तो ये तो उस वक्त इंटरव्यू में उससे पूछते। ठीक है। और अब उसने बता दिया, जब एक बंदे की 60-70 हज़ार रुपये सैलरी मौजूद है उसकी, वो बता रहा है, तो खुद ही हिसाब लगा लें कि कितना खर्चा हो गया होगा अब तक। अच्छा, इस इंटरव्यू के बाद आपकी दुआ से मुलाकात हुई? नहीं, मेरी इंटरव्यू के बाद दुआ से नहीं मुलाकात हुई। अच्छा, दुआ से मुलाकात नहीं हुई। ये बताइएगा कि दुआ ने जब सिंध हाई कोर्ट में वो गई थी तो उनकी वालदा से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि उनकी वालदा ने कहा कि दुआ मेरे साथ जाना चाहती हैं, उन्होंने कहा है, तो दुआ ने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो ये क्या बात हो रही है? इसी चीज़ों को फिर वही बात है कि सोशल मीडिया पे और जो लोग दुआ के हक में इस टाइम कमेंट कर रहे हैं वो यही चीज़ें रेज कर रहे हैं कि इनको शायद कोई नशावर चीज़ें देके ये बयान दिलवाए जाते हैं। अब देख लें, मेडिकल उसका दुआ का हुआ है सिंध हाई कोर्ट के कहने पे, मेडिकल कहाँ पे हुआ है? कराची में। अगर कोई नशावर चीज़ दी गई थी उस वक़्त तो बता दें। दूसरी बात, अगर नशावर चीज़ दी गई थी उसका कितनी देर तक असर रहता है ये भी डॉक्टर बताएंगे। और दुआ को 6 तारीख को या 7 तारीख को कराची ले जाया जाता है, 8 तारीख को उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, उससे पहले 4-5-6 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाता है, 8 तारीख के लिए कह दिया जाता है कि इसका मेडिकल करवा के लाएं। उस दौरानिए में अगर मेडिकल हुआ है तो उसका मेडिकल में क्यों नहीं आया कि उसको नशावर चीज़ दी गई है? अच्छा, उसमें आ जाना चाहिए था ना, आ जाना चाहिए था। सिंध में मेडिकल हुआ है, कराची में मेडिकल, ठीक है, उसके मेडिकल में जब नहीं आया तो यहाँ पे जब वो वहाँ पे जब मेडिकल नहीं आया इसका मतलब है नशावर चीज़ नहीं दी गई थी। तो नशावर चीज़ नहीं दी गई थी तो उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैंने आपके साथ नहीं जाना। अच्छा। तो उस वक्त तो नहीं कोई नशा लेके खड़ा था, कोई बंदे पास खड़े थे, रिपोर्ट गई है और वो भी सिंध की तरफ से ही, सिंध हुकूमत की तरफ से ही हुआ है। अच्छा, लास्टली एक सवाल जहन में आ रहा है जो सोशल मीडिया पर उठाया गया था, वो ये कि अगर दुआ ज़ारा ने कोई ऐसी गलती नहीं की या शादी हो गई वो गलती पे नहीं थी, तो वो छुप क्यों रहे थे इतने अरसे से? देखिए, बच्चे हैं, खौफ होता है हर बंदे को। जब 164 की स्टेटमेंट आ गई है, पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर दिया कोर्ट में, तो 164 की स्टेटमेंट आने के बाद भी अगवा का केस ख़त्म हो जाता है,
जब उसने कह दिया कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, तो एज पर कोर्ट में आप कह रहे हैं जो कहा उसने, लाहौर में मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 की स्टेटमेंट हुई है मॉडल टाउन में, तो वो स्टेटमेंट आने के बाद तो वैसे ही केस खत्म हो जाना चाहिए था। वो लोग जो दुआ के अगेंस्ट इस वक्त कमेंट कर रहे हैं, उनके मुताबिक दुआ ज़ारा को बड़े प्लान तरीके से कराची से लाहौर पंजाब लाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 16 साल की तकरीबन उम्र में आप शादी के लायक शादी कर सकते हैं कानून के मुताबिक, जबकि सिंध में 18 साल उम्र है। तो ये फिर वही लोग उठा रहे हैं क्वेश्चन कि इन लोगों को ये चीज़ें कैसा पता लगी कि कराची में हमने निकाह नहीं करना, पंजाब में आके करना है। जब लड़की कराची से पंजाब में आ जाएगी तो निकाह तो पंजाब में होगा, निकाह करने के लिए वापस वो सिंध में तो नहीं जाएंगे। देखे ना, लड़की कराची से चल के अगर पंजाब में आ गई है तो उसे निकाह करने के लिए वापस सिंध में जाएंगे, निकाह तो पंजाब में होगा। इनका निकाह भी कानूनी है क्योंकि पंजाब में 16 साल की उम्र में तकरीबन आप निकाह करने के अहल होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, चले राय साहब बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में अब ये लोग गए हैं और उसमें आप चलें उसका भी जवाब दे दें, उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? उम्मीद है कि वहाँ से भी आपके हक में या दुआ ज़ारा के हक में कोई फैसला आएगा या उसमें कोई डिफरेंट फैसला हो सकता है? मुझे तो उम्मीद है कि दुआ ज़ारा की फेवर में ही फैसला आएगा, क्योंकि जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उन्होंने भी अगर फैसला दुआ ज़ारा को तलब किया तो डेफिनेटली उसके बयान पे किया जाएगा। और क्या फैसला क्या फेवर में हो सकता है कि सिर्फ यही कि आप जिसके साथ रहना चाहती हैं आपका हक है? फैसला जो सिंध हाईकोर्ट ने किया है वो दुरुस्त है, और जो लाहौर हाईकोर्ट ने भी किया वो भी दुरुस्त है, यही फैसला होगा, इसके अलावा तो कोई फैसला नहीं नया आने वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। और ये थे राय खुर्रम साहब, इनसे कुछ हमने सवालात वो पूछे हैं जो दुआ ज़ारा के इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला ज़्यादा सोशल मीडिया पर ही डिस्कस किया जा रहा है। हमने कोशिश की कि उनसे वो तमाम तर सवालात जाने, और उम्मीद करते हैं कि राय खुर्रम साहब के ये जवाब जो हैं वो आप तमाम लोगों जिन लोगों ने सवालात उठाए हैं उनको मिल चुके होंगे। इस वीडियो से मुतल्लिक आप कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।